एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो थर्ड टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए डिफरेंशिएशन की हेल्प से किसी फंक्शन को कैसे चेक करते हैं कि वो गिवन इंटरवल के अंदर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। आपको एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स और इस फंक्शन का आपको डोमेन गिवन है i मीन्स इंटरवल y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। इस फंक्शन का डोमेन आपको गिवन है कि वो i के इक्वल है। तो फर्स्ट टॉपिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कोई फंक्शन कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, एक्स की वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है, उसी के रेस्पेक्ट में वाई की वैल्यू भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। तो जहां एक्स की वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है और फंक्शन की वैल्यू भी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। और वो इंटरवल जिसके अंदर ये इंक्रीज हो रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल कहलाता है। तो देखिए दो टाइप से अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो आई इंटरवल है, इस आई इंटरवल की मैंने टू वैल्यू लेट की एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू आई। ये एक्स वन वैल्यू और ये एक्स टू वैल्यू। तो मैंने यहां एक्स वन को एक्स टू से लेस लिया है, एक्स वन लेस एक्स टू। एक्स वन पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वन है, एक्स टू पे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स टू है। एक्स वन एक्स टू से लेस है तो ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि एक्स वन पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक्स टू पर जो फंक्शन की वैल्यू फाइंड हो रही है उससे लेस है। एफ एक्स वन लेस एफ एक्स टू, अगर एक्स वन एक्स टू से लेस है तो उसी के करेस्पॉन्डिंग उनके फंक्शन की वैल्यू भी लेस फाइंड हो रही है। तो ऐसा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जब भी आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना हो किसी इंटरवल में तो उस इंटरवल की कोई भी टू वैल्यू ले लीजिए और उन पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिए। If x1 less than x2, then fx1 less than fx2, then it is strictly increasing function. And second method देखिए, second method आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, अदर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें। ये जितनी भी टेंजेंट अपन ने ड्रॉ की है P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, R पॉइंट पे, इन सबका जो X एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री एंड सो ऑन, और एक्यूट एंगल acute angle मतलब less than 90, और अगर angle less than 90 है means first quadrant है, और first quadrant में tan theta positive होता है तो tan theta is greater than 0, और tan theta किसको represent करता है, the slope of tangent,
और डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है डीवा बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट मीन्स डीवा बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो। तो पहली कंडीशन तो आप ये चेक कर सकते हो। दूसरी कंडीशन उस इंटरवल के अंदर अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि इसका एफ डैश जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कभी भी किसी फंक्शन को अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो है। नेक्स्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, नेम से क्लियर हो रहा है कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज होने पे फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस अगर डिक्रीज हो रही है तो दिस इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए आपको y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन का ग्राफ गिवन है, जो I इंटरवल में डिफाइंड है डोमेन, लेट कर लिया कि x1 एंड x2 इस इंटरवल की टू वैल्यू है, x1 एंड x2 और x1 x2 से लेस है। x1 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है fx1 और x2 पे वैल्यू आ रही है fx2। तो ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि fx1 बड़ा है fx2 बड़ा है, तो ये वैल्यू इससे बड़ी है, x1 x2 से लेस है लेकिन फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर आ रही है। तो दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इससे क्या शो हो रहा है कि x की वैल्यू इंक्रीज होने पे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या x की वैल्यू डिक्रीज होने पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा फंक्शन जहां एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा हो डिक्रीज हो रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसको सेकंड मेथड से समझे स्लोप वाले मेथड से। देखिए इससे कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जितने भी एंगल बन रहे हैं थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री दीज आर ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ dy by dx इज लेस देन 0 मींस f(x) इज लेस देन 0। तो जब भी आपको किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि उस इंटरवल में f(x) की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। This function is called strictly decreasing function. देखिए अपन यहाँ पे एक फंक्शन का ग्राफ लेते हैं, यहां देखिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। तो जिस पॉइंट पर इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का इंटरवल सेपरेट हो रहा है, अगर मैं उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप जीरो होता है। इसका मतलब अगर मेरे को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सेपरेशन वाला पॉइंट फाइंड करना हो तो मेरे को एफ डैश को किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा जीरो, और ऐसे पॉइंट को कहते हैं टर्मिनल पॉइंट जहां पर इंक्रीज और डिक्रीज वाला इंटरवल सेपरेट हो रहा है। देखिए अपने अभी अपन ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, अगर उसके बेस पर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको किस टाइप से सोल्व करना चाहिए, एग्जाम में उसको लिखने की लैंग्वेज क्या रहेगी,
आपको जो फंक्शन गिवन है वो है एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। आपको इन पॉइंटों को फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां से एफ डैश एक्स फाइंड करें, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसके फैक्टर के x माइनस 3 x प्लस 2। इन टर्मिनल पॉइंट को फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा? 0। टू फाइंड टर्मिनल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 2। तो दो टर्मिनल पॉइंट आ गए 3 एंड माइनस 2। उन 3 एंड माइनस 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दीजिए। दिस इज माइनस 2, दिस इज 3, इधर इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी। 2 पॉइंट फाइंड हुए हैं और उन 2 पॉइंट से 3 इंटरवल बन गए, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, माइनस टू से थ्री एंड थ्री से इंफिनिटी। अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन से इंटरवल ऐसे हैं जिसमें एफ डैश ग्रेटर देन जीरो है और कौन सा इंटरवल ऐसा है जिसमें एफ डैश लेस देन जीरो है। रीजन अभी अपने डेफिनेशन पढ़ी है कि जिस इंटरवल में एफ डैश ग्रेटर देन जीरो होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जहां एफ डैश लेस देन जीरो होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसको चेक करने के दो तरीके हैं, ट्रिक भी याद कर सकते हो आप। देखिए, एक आपके वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड के अंदर इसमें साइन कैसे पुट किया जाता है, जो आपने एफ डैश एक्स फाइंड किया ना उनमें जितने भी फैक्टर फाइंड हुए हैं उनकी पावर अगर ऑड नंबर है तो अल्टरनेट साइन आएगा। जितने भी फैक्टर है अगर उनकी पावर ऑड है तो साइन हमेशा अल्टरनेट आएगा, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन अगर पावर इवन है किसी के भी तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट फाइंड हुआ है उसके दोनों सेम साइन आएगा। मान लो यहां पावर टू थी और उससे रिलेटेड पॉइंट थ्री फाइंड हुआ तो जो साइन थ्री के इधर होगा वही थ्री के इधर होगा। लेकिन यहां देखिए, यहां पावर वन है ऑड है, यहां पावर वन है ऑड है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हर इंटरवल में अल्टरनेट साइन आएगा। अब देखिए साइन कैसे लगाते हैं। एक ट्रिक तो ये है कि यह x का साइन देखिए क्या है, प्लस। यह x का साइन क्या है, प्लस। बार 6 का साइन क्या है, प्लस। प्लस इनटू प्लस इनटू प्लस, रिजल्ट इज प्लस। तो आप इस साइड से राइट हैंड साइड से साइन लगाइए, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। एक तरीका तो ये, मान लो यहां x नेगेटिव होता तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो साइन माइनस आता। तो आप माइनस से स्टार्ट करते हो वैसे, और ओल्ड पावर होने से अल्टरनेट साइन माइनस प्लस माइनस। दूसरा तरीका, आपने पावर देगी ओड, इसका मतलब अल्टरनेट आएगा साइन। ये इंटरवल 3 से बड़ा है तो आप एक 3 से बड़ी वैल्यू लेट कीजिए 4। उस 4 को इस एफ डैश में पुट कर दीजिए, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 2 6, आंसर क्या है 36। क्या ये पॉजिटिव, तो साइन कौन सा आएगा, प्लस, और ओड पावर होने से फिर अल्टरनेट साइन माइनस प्लस। इस तरह से आप दोनों तरीके से साइन पुट कर सकते हैं। अब आप आ जाइए डेफिनेशन पर, एफ एक्स
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो। कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है? जब उस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। तो ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है? ये दोनों इंटरवल हो गए। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन थ्री टू इंफिनिटी। एक से ज्यादा आंसर हो तो उसको यूनियन के फॉर्म में लिखना है। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव। नेगेटिव किसमें है? माइनस टू से थ्री में। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू थ्री। ये जो इंटरवल फाइंड हुआ है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है। अगर इसी आंसर को अपन टेबल की फॉर्म में लिखे तो टेबल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए थ्री कॉलम बनेंगे। फर्स्ट के अंदर लिखिए अपने इंटरवल, सेकंड में लिखिए साइन ऑफ एफ डैश और थर्ड में नेचर ऑफ एफ एक्स। पहला इंटरवल क्या फाइंड हुआ? माइनस इंफिनिटी से माइनस टू, माइनस टू से थ्री, थ्री से इंफिनिटी। ये पॉजिटिव फाइंड हुआ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेगेटिव वाला क्या होता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर पॉजिटिव वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस तरह से जो आपको आंसर फाइंड हुआ है उसको टेबल फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सेम वही प्रोसीजर, सबसे पहले एफ डैश फाइंड करेंगे, u इंटू वी एक्स प्लस वन का क्यूब कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यूब कॉन्स्टेंट 3x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन, 3x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन। तो x प्लस 1 x माइनस 3, 3 x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर 2x माइनस 2, 2 कॉमन x प्लस 1 स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा? x माइनस 1। 2 फाइंड टर्मिनल पॉइंट, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, 6 x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो यहां से x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, यहां से x इक्वल टू 3 आ गया, यहां से x इक्वल टू 1 आ गया। तो देखिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पहले माइनस 1 फिर 1 फिर 3, टोटल 4 इंटरवल फाइंड हुए हैं। लेकिन यहां ध्यान देना केवल ओड पावर इस पर है, इस पर इवन पावर है, इस पर इवन पावर है। तो अभी आपको मैंने वेव कर्व मेथड के अंदर बताया था कि जिस जहां पर इवन पावर है उस फैक्टर से रिलेटेड वैल्यू पर सेम साइन आएगा दोनों ओर। तो सबसे पहले देखिए यहां एक्स का साइन क्या है? पॉजिटिव। यहां एक्स का साइन पॉजिटिव, यहां एक्स का साइन पॉजिटिव, बार 6 क्या है? पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। तो स्टार्ट किससे हुआ है? पॉजिटिव से। दूसरा तरीका क्या था? 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू क्या ली? 4, 4 माइनस 1 3 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव, 4 प्लस 1 5 पॉजिटिव और 6 है? तो सबका मल्टीप्लाई भी क्या आएगा? पॉजिटिव। अब ध्यान देना ये वैल्यू 3 है, 3 किससे फाइंड हुई? इससे, और इसके ऊपर पावर क्या है? 2। क्या ये इवन नंबर? तो जो साइन 3 के उधर होगा वही इधर आएगा। 1 किससे फाइंड हुआ? इससे, और यह पावर कितनी है? 1 ऑड है, तो इधर प्लस उधर क्या आएगा? माइनस। माइनस 1 किससे फाइंड हुआ? इस वाले से, और उसके ऊपर पावर कितनी है? 2। 2 इवन नंबर है तो जो साइन -1 के इधर होगा वही इधर होगा।
तो इवन पावर वाले से जो पॉइंट फाइंड हुआ है उसके दोनों साइन सेम रहेगा, थ्री और माइनस वन दोनों इवन पावर वाले से फाइंड हुआ है, तो थ्री के दोनों साइन सेम है और माइनस वन के दोनों साइन सेम है, वन के ऊपर ऑड पावर थी तो उसके दोनों अल्टरनेट साइन है। तो देखिए अब आप एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश ग्रेटर देन जीरो कहां पे है, वन से थ्री यूनियन थ्री टू इंफिनिटी, और एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो कहां पे है, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन माइनस वन टू प्लस वन। इस तरह से आपको टोटल फोर इंटरवल फाइंड हुए हैं, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, माइनस वन से वन, वन से थ्री, थ्री से इंफिनिटी, और उनके जो साइन फाइंड हुए एफ डैश के, पहले में लेस देन जीरो, दूसरे में लेस देन जीरो, इसमें ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। जिसमें लेस देन जीरो है वहां फंक्शन का नेचर क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्रेटर देन जीरो वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए नेक्स्ट है इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली में तो क्या था, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या है, हो तो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है लेकिन बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉप हो रहा है। स्टॉप हो रहा मतलब देखिए फंक्शन इंक्रीज हुआ या फिर स्टॉप हो गया, फिर वापस इंक्रीज हुआ, फिर स्टॉप हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, ऐसे फंक्शन होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम इसी तरह से डिक्रीजिंग के अंदर ये डिक्रीज फिर डिक्रीज फिर डिक्रीज, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका डोमेन इंटरवल i है, उस इंटरवल के अपन टू वैल्यू लेट कर रहे हैं एक्स वन एक्स टू, और लेट करके कर रहे हैं एक्स वन एक्स टू से लेस है, कि एक्स वन एक्स टू से लेस है। देखिए इधर मैंने वैल्यू ली एक्स वन और ये वैल्यू ली एक्स टू, इसके फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वन और इसके फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स टू। एक्स वन एक्स टू से लेस है लेकिन इनकी जो फंक्शन की वैल्यू है लेस n इक्वल टू भी हो सकती है। कैसे इक्वल टू हो सकती है, ये जो ब्रेकिंग पॉइंट आता है ये ब्रेकिंग पॉइंट पर एफ डैश की वैल्यू जीरो होती है, तो इन पॉइंट को काउंट करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा अगर फंक्शन की वैल्यू लेस x1 x2 से लेस है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी लेस होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। तो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर आपको चेक करना है एग्जाम के अंदर, तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब उस इंटरवल के अंदर एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो होती है। ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है इन ब्रेकिंग पॉइंट पर एफ डैश की वैल्यू जीरो होती है, और इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर भी अपने प्रूव किया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप एफ डैश ग्रेटर देन क्या होता है,
जीरो होता है। तो जब भी आपको ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है तो आपको यह शो करना पड़ेगा कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या x1 x2 से लेस है तो उनके फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू f(x)2 है। सेम इसी तरह से अगर डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर आपको चेक करना है कि x1 x2 से लेस है तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि उनकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो अदर वाली वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू है। या सेकंड कंडीशन f डैश इज लेस देन 0 इन गिवन इंटरवल। देखिए यहां पे चार टाइप के फंक्शन अपने पढ़े हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग f डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f डैश x लेस देन 0, और डिक्रीजिंग के अंदर भी f डैश x लेस देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 को f डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में काउंट किया है। तो यहां ओनली क्या लेके चल रहे हैं, f डैश लेस देन 0। तो जब भी आपको डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो आपको ओनली प्रूव करना है कि वहां f डैश x क्या है, लेस देन 0। लेकिन इंक्रीजिंग के अंदर आपको f डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करना है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर ओनली ये प्रूव करना है कि f डैश ग्रेटर देन 0 है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि y इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x इफ x ग्रेटर देन माइनस 1 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। अगर इस क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं दे रखी होती x ग्रेटर देन माइनस 1, तो आपको सबसे पहले तो हमेशा फंक्शन की कंडीशन निकालनी है, फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है कि फंक्शन कहां डिफाइंड है। लॉगरिथम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ लॉग के साथ वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 पे लॉग डिपेंड होता है, और ये p अपॉन q है तो 2 प्लस x नॉट इक्वल टू 0 मींस x नॉट इक्वल टू -2। तो यहां से x ग्रेटर देन कितना आ गया, -1। तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं दे रखी तो भी आपको पहले फाइंड करनी है। अब आपको बताना है कि इस डोमेन के अंदर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, और अभी इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको ये शो करना पड़ेगा कि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, ग्रेटर एंड इक्वल टू। तो देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करें, dy / dx log का डिफरेंशिएशन 1 / 1 + x, इसका u / v से 2 + x का स्क्वायर, 2 + x कांस्टेंट 2x का 2 माइनस 2x कांस्टेंट 2 का 0 x का 1। एलसीएम लेके सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है x स्क्वायर / 1 + x 2 + x का स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिखा है, आप इसको सिंपलीफाई करके देखेंगे तो इसका आंसर आ रहा है x स्क्वायर / 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए x ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब 1 + x ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू 2 + x का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और x स्क्वायर पॉजिटिव तो होगा लेकिन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। रीजन x ग्रेटर देन -1 में 0 आता है और 0 का स्क्वायर करने पे 0 आएगा, इसका मतलब x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 + x का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, ये 0 हो नहीं सकता, रीजन इसके लिए x इक्वल टू -2 चाहिए और x की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये तीनों ही ग्रेटर देन 0 आ गए। तो क्लियरली x स्क्वायर / 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ x ग्रेटर देन -1, और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, dy / dx को।
तो डी बाय डी इज ग्रेटर देन 0 इफ एक्स ग्रेटर देन माइनस 1। इसका मतलब ये हो गया कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to pi by 2 closed interval. तो अगेन सेम प्रोसीजर, आपको जो y गिवन है इसका डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy upon d थीटा, u upon v, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा ऐसा कैसा है, 4 sin थीटा का 4 cos थीटा, 4 sin थीटा ऐसा कैसा है, 2 का 0 cos का माइनस साइन, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1, ओपन द ब्रैकेट, 8 cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा, और एलसीएम कितना आ रहा है, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करने पे रिजल्ट आ रहा है cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से 4 कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बन जाएगा, यहां से होल स्क्वायर करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप थीटा कहां बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्लोज इंटरवल है इसलिए इक्वल टू 0 भी आ सकता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, cos की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है 1, इसका मतलब 4 माइनस cos थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, तो 4 माइनस 1 3 रहेगा, एंड 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इन सब से क्या क्लियर हो रहा है, क्लियरली cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। इसका मतलब हो गया dy upon d थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस क्लियर। तो ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगले वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता है, अगर उसमें इंटरवल दे रखा है तब तो वही लेके चलना है, अगर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दे रखा है तो आपको 0 से 2 पाई लेके चलना है, पूरा एक राउंड 0 से 360 डिग्री का। करने का प्रोसीजर सेम रहेगा, पहले एफ डैश फाइंड करेंगे, sin x का cos x, cos का माइनस साइन, टर्मिनल पॉइंट फाइंड करने के लिए एफ डैश को 0 पुट करेंगे, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू cos x हो गया, ये cos को अपॉन में लेंगे तो sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1, sin अपॉन cos 10 होता है, 10 पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में इधर थीटा लेते हैं और इसमें पाई प्लस थीटा, इसका मतलब x जो हुआ थीटा और पाई प्लस थीटा के बराबर हुआ, 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की, तो पाई बाई 4 और पाई प्लस पाई बाई 4, तो आपका आंसर हो गया पाई बाई 4 और पाई बाई 4, ये टर्मिनल पॉइंट फाइंड हो गए। अब आपको जो लाइन बनानी है ना वो 0 से 2 पाई तक बनानी है, क्योंकि यहां 0 से 2 पाई गिवन है और ये दोनों टर्मिनल पॉइंट हो गए पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4। देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, आप कोई सा भी एक इंटरवल ले लीजिए, मैंने 0 से पाई बाय 4 लिया, इसका बीच का कोई एंगल ले लो 30 डिग्री, उस 30 को एफ डैश में पुट करो, cos 30 माइनस sin 30, cos 30 √3/2 होता है, sin 30 1/2 होता है, √3/2 1/2 से बड़ा है, मींस रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, और फिर अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f डैश इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव कहां का आ रहा है 0 टू पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई,
अब यहां ध्यान देना, ये दोनों तो टर्मिनल पॉइंट है, तो इनके साथ तो ओपन ब्रैकेट आएगा, लेकिन यहां देखिए 0 2 पाई टर्मिनल पॉइंट नहीं है, ये दोनों काउंट है, तो इनके साथ क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी आ रहा था एंड में, और उनके साथ हमेशा कौन सा ब्रैकेट आता है, ओपन। इसी तरह से fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ f डैश इज लेस देन 0, लेस देन 0 कहां पे आएगा, पाई बाय 4 से पाई पाई बाय 4। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ओनली इंक्रीजिंग के लिए होता तो इंक्रीजिंग में ये ग्रेटर एन इक्वल टू 0 हो जाता, तो यहां ओपन की जगह क्या जाता, क्लोज ब्रैकेट। ध्यान रखना इस चीज को, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहां ओपन ब्रैकेट आएगा, और ओनली इंक्रीजिंग है तो यहां क्लोज ब्रैकेट आएगा, बाकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर सेम ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। थैंक यू।